नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्तपन। बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा जया बच्चन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई। जया बच्चन जितनी अच्छी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, आजकल उतना ही उन्हें अपने गुस्से के लिए जाना जाने लगा है। कभी फोटोग्राफर पर भड़कना तो कभी नेताओं पर अपना गुस्सा निकालते हुए आपने उन्हें कई बार देखा होगा। लेकिन अब उन्होंने संसद में कुछ ऐसा कर दिया कि चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है वो राज्यसभा सत्र के दौरान का बताया जा रहा है। दरअसल हाल ही में राज्यसभा सत्र का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि वो सदन में चेयर की ओर उंगली उठाकर कुछ कहती भी दिखाई दे रही है। उस वक्त उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ चेयर पर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो आपको जगदीप धनखड़ सीट से खड़े होकर बाकी लोगों से अपनी सीट पर बैठने को कहते हुए दिख रहे हैं और इसी दौरान सामने से जया बच्चन गुस्से में लाल होकर वहां से निकल जाते हैं। वायरल वीडियो 9 फरवरी को राज्यसभा की कार्यवाही का बताया जा रहा है। दरअसल अडानी मामले को लेकर संसद में हंगामा हो रहा था। इसी बीच कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को अध्यक्ष के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए सत्र से निलंबित कर दिया गया था। जया बच्चन ने कांग्रेस सांसद के समर्थन में बात की और कहा कि उन्हें सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। इस दौरान उन्होंने सभापति को उंगली दिखाई तो हंगामा खड़ा हो गया। जया बच्चन का इस तरह उंगली दिखाना सोशल मीडिया यूजर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लक्ष्मीकांत नाम के यूजर ने लिखा, अहंकार में चूर जया बच्चन राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को उंगली दिखा रही है। लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे लोग कैसे आ जाते हैं। महेंद्र खुश मेरठी नाम के यूजर्स ने लिखा, कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है, ध्यान रहे हवाई जहाज भी हवा में क्रैश हो जाते हैं। अचिंत्य मिश्रा नाम के यूजर्स ने लिखा, विपक्ष की महिलाओं में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना बड़ा असभ्य है, पहले महुआ मोइत्रा और अब जया बच्चन। एक यूजर ने तो यहां तक लिखा कि ये जया बच्चन कभी खुश होती भी हैं, उनके चेहरे पर हमेशा झुंझलाहट दिखती है, हमेशा पब्लिक में लड़ाई करती रहती है। ये कोई पहली बार नहीं है जब जया बच्चन को संसद में गुस्सा आया। इससे पहले जया बच्चन ने संसद में बीजेपी के सांसदों को श्राप दे दिया था और कहा था कि आपके बुरे दिन जल्द आने वाले हैं। जया बच्चन के इस व्यवहार की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है। कई यूजर्स उनके वीडियो को शेयर करते हुए उनकी तुलना टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके महुआ मोइत्रा के साथ 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। संसद में मर्यादा होनी बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार सांसदों की इन हरकतों से वो खुद ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।